हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी जस्ट लीगल लॉज और मैं हूं इंदु चौहान। ठीक है, और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और उसका एक आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा। ठीक है, अब वीडियो को शुरू करने से पहले जरा हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि रेस जुडिकाटा का ओरिजिन क्या हुआ। तो वो थ्री लैटिन मैगजीन के साथ उसका ओरिजिन हुआ था। वो तीनों लैटिन मैगजीन्स हम देखेंगे क्या है वो। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसका एक लिटरल मीनिंग क्या है, उसके बाद में हम देखते हैं जनरल मीनिंग क्या है। बैरक के अंदर जो दे रखा है उस लैंग्वेज को समझेंगे विद एन एग्जाम्पल। एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे, इसमें 8 एक्सप्लेनेशन हैं, उन सभी एक्सप्लेनेशंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ केस लॉज जो इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें डिस्कस करेंगे। इसके एक्सेप्शंस को डिस्कस करेंगे कि कब डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि कहां कहां पे जो रेस जुडिकाटा है वो अप्लाई होगा और कहां पे नहीं होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। सो चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे हम उन तीन लैटिन मैगजीन्स के साथ जो कि जिससे हमारा जो रेस जुडिकाटा है वो डिराइव हुआ है। तो सबसे पहली मैगजीन क्या है, वो है नेमो डेबिट लिस वेक्सेरी प्रो एडम कॉजा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, इट मीन्स दैट नो पर्सन शुड बी वेक्स्ड अनॉयड हैरेस्ड और वेक्स्ड टू टाइम्स फॉर अ सेम ऑफेंस और अ सेम कॉज। ठीक है, ये कहना चाहता है कि आप किसी एक पर्सन को एक से ज्यादा बार सेम कॉज के लिए आप उसे प्रोसिक्यूट या उसे वैक्स नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप उससे वापस से उस केस के लिए सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए आप उसे वापस से वैक्स नहीं कर सकते। चलिए अब देखते हैं हमारा सेकंड मैगजीन क्या है, वो है इंटरेस्ट रिपब्लिके उट सिट फेनिस लेटन। इसका मतलब ये है कि आप ये इंटरेस्ट यानी कि स्टेट के इंटरेस्ट में है कि जो लिटिगेशन है वो एंड हो जाए, यानी कि अगर आपके पास कोई भी केस आता है तो ये स्टेट के इंटरेस्ट में होगा कि वो केस जल्द से जल्द डिसाइड हो और खत्म हो। ठीक है, अब नेक्स्ट केस क्या आता है, वो है रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ऑक्यूपिटर। अब ठीक है, इस मैगजीन का मतलब क्या है कि जो भी डिसीजन कोर्ट देगा वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, यानी कि सही है, करेक्ट है। ठीक है, सो ये तीनों लैटिन मैगजीन्स, पहली हमने जो देखी उसका मतलब ये था कि आप किसी भी पर्सन को एक से ज्यादा बार सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए वैक्स नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमने ये देखा कि ये स्टेट के इंटरेस्ट में होगा कि जो लिटिगेशन है वो जल्द से जल्द खत्म हो, और तीसरी ये चीज देखी हमने कि जो भी डिसीजन कोर्ट देगा वो सही है, ट्रू है, करेक्ट है। ठीक, अब इन तीनों लैटिन मैगजीन्स के कारण ही हमारा एक नया कॉन्सेप्ट या डॉक्ट्राइन आती है, वो है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा। ठीक है, अब पहले जरा लिटरल मीनिंग देख लेते हैं कि रेस जुडिकाटा का लिटरल मीनिंग क्या है। अब देखिए, रेस का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर और जुडिकाटा का मतलब होता है डिसाइडेड। ठीक है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो डिसाइड हो चुका है, यानी इट मीन्स दैट एनी मैटर डिसाइडेड बाय द कोर्ट, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रेस जुडिकाटा कहेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो डॉक्ट्राइन है वो सीपीसी के कौन से सेक्शन में मेंशन कर रखी है, वो है सेक्शन 11, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन फॉर द सीपीसी। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसका जनरल मीनिंग। अब जनरल मीनिंग के लिए मैंने एक छोटा सा फ्लोचार्ट बनाया है, आप इसको समझ सकते हैं। अब इसमें क्या है कि कोई भी सूट, ठीक है, जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट ने क्या किया है, उसे उसके मैटर को सुना है और डिसाइड किया है। कोई भी सूट फाइल किया गया है जो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, ठीक है, उस मैटर को सुना है और डिसाइड किया है बिटवीन द सेम पार्टीज। ठीक है, यानी कि जो दोनों पार्टीज हैं, मान लीजिए ए और बी पार्टी हैं, उन दोनों के बीच में उस सब्जेक्ट को सुना गया है। ठीक है, ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन, अगर उसने यानी कि कोर्ट ने उस मैटर को डिसाइड कर दिया, डिसीजन दे दिया है, जजमेंट आ चुका है, तो वही सेम पार्टीज उस सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर एक सब्सिक्वेंट सूट फाइल नहीं कर सकती है। सो हमने जनरल मीनिंग में क्या देखा कि अगर कोई भी दो पार्टीज हैं ए और बी, अगर वो कोई सूट फाइल करती हैं जो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उस मैटर को सुना है और फाइनली डिसाइड किया है, तो आप उसी सेम
पार्टीज यानी कि वो सेम पार्टीज उस सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर सब्सिक्वेंट सूट फाइल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो रेस जुडिकाटा के कारण क्या है, बार्ड है। ठीक है, सो ये तो हो गया इसका जनरल मीनिंग। चलिए अब हम जरा देख लेते हैं कि बैरिक की लैंग्वेज क्या कहती है। यहाँ पे मैंने एज इट इज जो बैरिक में लिखा हुआ है वो लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसको एक सिंपल से फ्लो चार्ट, एक सिंपल से तरीके से मैं इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि नो कोर्ट शेल ट्राई एनी सूट और एनी इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू इन अ फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज। यानी कि मान लीजिए, अब यहाँ पे मान लीजिए दो सूट हैं, ठीक है, ये फर्स्ट सूट है, ये सेकेंड सूट है। अब इसको क्या कहेंगे हम, फॉर्मर सूट, और ये है सब्सिक्वेंट सूट। अब ये सेक्शन 11 क्या कहता है, सेक्शन 11 ये कहता है कि अगर किसी दो पार्टीज के अंदर जो भी मैटर इन इश्यू है वो एक फॉर्मर सूट के अंदर सुना गया है और एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसे डिसाइड कर दिया है, ठीक है, मैं वापस से रिपीट करती हूँ। मान लीजिए एक सूट फाइल किया गया है कोर्ट के अंदर, किसने किया है, ए और बी पार्टी हैं उसके अंदर, और जो उनमें मैटर इन इश्यू है वो कोर्ट ने, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसे सुना और उसे डिसाइड कर दिया, ठीक है। तो वो दोनों सेम पार्टीज जो हैं एक और सूट फाइल नहीं कर सकती हैं। क्यों? उसी सेम मैटर, जो भी मैटर इन इश्यू है उस सेम मैटर के ऊपर एक सब्सिक्वेंट सूट फाइल नहीं कर सकती हैं, रेज नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मर सूट के अंदर डिसाइड हो चुका है। और डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा इसी चीज को बार करती है कि आप, अब मान लीजिए इन दोनों के बीच में जो भी केस था, मान लीजिए जो कोर्ट ने जजमेंट है वो बी के फेवर में दिया और ए के फेवर में नहीं दिया। अब ये बोलता है कि यार तेरे फेवर में दे दिया तो रुक, मैं तो तेरे अगेंस्ट एक और केस फाइल करूंगा, वापस से फाइल करूंगा, अब तुम्हें यहां पे फाइल दूसरे कोर्ट में फाइल करूंगा। तो ये क्या हुआ, अब जो दूसरा कोर्ट है, मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट में था, इसने यहां हाई कोर्ट में डाला या कहीं पे भी डाला, ठीक है, तो जो कोर्ट है, जो सब्सिक्वेंट कोर्ट है, जो दूसरा कोर्ट होगा, वो ये मैटर नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि इस सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर फॉर्मर सूट ने ऑलरेडी डिसीजन दे दिया है, ठीक है। अब जैसे हमने वो नेमो वाली डॉक्ट्राइन पढ़ी थी, वो यहीं पे अप्लाई होती है कि आप एक पर्सन को, मान लीजिए इसके फेवर में आ गया, इसने ऑलरेडी अपना खूब खर्चा कर दिया है उसके ऊपर, तो ये वापस से दूसरे सूट के अंदर ही खर्चा क्यों करे जब ऑलरेडी वो सूट डिसाइड हो चुका है, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट डॉक्ट्राइन है वो यहाँ रेज होती है, जो हमने नेमो वाली पढ़ी थी, नेमो डेबिट वाली फर्स्ट डॉक्ट्राइन, सॉरी फर्स्ट मैगजीन, ठीक है। सो मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए एक फॉर्मर सूट है और मान लीजिए एक सब्सिक्वेंट सूट है। एक फॉर्मर सूट के अंदर दो पार्टीज हैं, ए और बी, मैटर इन इश्यू जो भी है उसके ऊपर उसे कोर्ट ने, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसे सुना, उसे डिसाइड किया उन दोनों पार्टीज के बीच में, तो जो भी पार्टीज हैं वो वापस से एक सब्सिक्वेंट सूट फाइल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो रेस जुडिकाटा की डॉक्ट्राइन से बार्ड हैं। यानी कि सेम पार्टीज और सेम मैटर इन इश्यू के ऊपर एक सब्सिक्वेंट सूट फाइल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आई होप सेक्शन 11 आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम जरा कुछ कंडीशंस देख लेते हैं रेस जुडिकाटा की। अगर आपको डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई करनी है तो आपके पास क्या क्या कंडीशंस हैं जो होनी चाहिए। सबसे पहली कि जो दो, देयर मस्ट बी टू सूट्स, एक फॉर्मर सूट होना चाहिए और एक सब्सिक्वेंट सूट होना चाहिए, ठीक है, दो सूट्स होने चाहिए। पार्टीज दोनों सूट की सेम होनी चाहिए, ठीक है। जो मैटर इन इश्यू है वो सब्सिक्वेंट सूट के अंदर सेम होना चाहिए जो कि फॉर्मर सूट के अंदर था। जो केस है वो फाइनली डिसाइड कर दिया गया हो बाय द फॉर्मर सूट, ठीक है, फॉर्मर सूट के अंदर उसको पहले से ही डिसाइड कर दिया गया हो। द फॉर्मर सूट शुड बी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसे डिसाइड किया हो। और जो पार्टीज हैं दोनों सूट की, जो लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, वो सेम टाइटल के अंदर लिटिगेट कर रही हूं। अगर ये सभी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं किसी सूट के अंदर, तो वहां पे आप डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा को अप्लाई करके एक सब्सिक्वेंट सूट को फाइल करने से रोक सकते हैं, कोर्ट जो है उसे बार कर सकता है, ठीक है। चलिए अब हम इसके कुछ एक्सप्लेनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। आई मीन एट एक्सप्लेनेशंस हैं, कुछ एक्सप्लेनेशंस नहीं है इसके, एट एक्सप्लेनेशंस हैं। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं जो कि बात करता है फॉर्मर सूट। अब फॉर्मर सूट बेसिकली ये डिफाइन करता है कि फॉर्मर सूट कौन से सूट्स होते हैं। अब इसको मैं फटाफट से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ क्या कहा है। मान लीजिए पहला जो एक केस है, सेम सूट, सेम पार्टी, सेम कॉज ऑफ एक्शन, जो कि फाइल किया गया है 1 जनवरी 2020 में, और जो दूसरा है वो फाइल किया गया 1 जनवरी 2021 के अंदर, ठीक है। अब मान लीजिए ये वाला जो सूट है ये चल रहा है, पेंडिंग है, ठीक है, और जो ये वाला सूट है मान लीजिए 3 मंथ्स के अंदर इस सूट को डिसाइड कर दिया गया है,
ठीक है। अब जो हमारा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कब सूट इंस्टीट्यूट हुआ हो, लेकिन जब भी कोई भी सूट इंस्टीट्यूट हुआ है जिसे डिसाइड कर दिया गया है, तो जो भी पहले डिसाइड किया जाएगा आप उस सूट को क्या मानेंगे, फॉर्मर सूट मानेंगे। ठीक है, यानी कि इंस्टीट्यूशन डजंट मैटर, अगर ये वाला पहले डिसाइड हुआ है तो इसकी डेट मैटर नहीं करेगी, आप इस सूट को फॉर्मर सूट मानेंगे ना कि इस सूट को। ठीक है, भले ही चाहिए पहले क्या हुआ हो, इंस्टीट्यूट हुआ हो। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मर सूट्स क्या होते हैं। तो फॉर्मर सूट्स वही सूट्स होते हैं भले ही उनका इंस्टीट्यूशन कभी भी हो, लेकिन अगर कोई सूट पहले डिसाइड हो गया हो तो जैसे ही उसको डिसाइड किया जाएगा उस पहले डिसाइडेड सूट को हम क्या मानेंगे, फॉर्मर सूट मानेंगे। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन वन इज क्लियर। अब चलिए हम बात करते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन नंबर टू की, जो कि बात करता है कंपिटेंट कोर्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ अपील, यानी कि जो भी सूट डिसाइड किया जा रहा है, ठीक है, जो भी डिसाइड किया गया, जिस भी कोर्ट ने उसको डिसाइड किया है, वो कोर्ट क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ठीक है, वो जो कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अगर वो कॉम्पिटेंट कोर्ट है तो वो जो सूट है, जो जजमेंट है, वो क्या होगा, वो करेक्ट होगा। बात करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन नंबर थ्री की, दैट इज मैटर इन इशू, मतलब मैंने इनको एक शॉर्ट हेडिंग दी है टू कि आपको जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, सच मैटर विच इज एलिज्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड और एडमिटेड बाय दी अदर। ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है एक्सप्लेनेशन, मान लीजिए एक सूट है ए और बी के बीच में, ठीक है, अब उस सूट के अंदर मान लीजिए ए पार्टी है उसने कुछ जो वो है मैटर है वो रेज किए। ठीक है, अब यही मैटर इस सूट के अंदर जो दूसरी पार्टी है, जो हमारी अदर पार्टी है, वो इनको क्या तो एडमिट कर सकती है, ठीक है, या फिर इस चीज को डिनाई कर सकती है। ठीक है, मैटर इन इश्यू को, यानी कि ये कहता है कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जो भी रेज किए गए हैं मैटर्स, इश्यूज रेज किए हैं एक पार्टी ने, उसको दूसरी पार्टी क्या तो एडमिट करेगी या डिनाई करेगी। यही हमारा एक्सप्लेनेशन नंबर थ्री है। आई होप आप सबको ये चीज समझ में आई, एक्सप्लेनेशन नंबर थ्री। अब चलिए हमारे एक्सप्लेनेशन फोर पे चलते हैं। अब देखिए, अब हमारा जो फोर्थ एक्सप्लेनेशन से लेकर लास्ट एक्सप्लेनेशन यानी एक्सप्लेनेशन एट तक, ये सभी एक्सप्लेनेशन काफी इंपॉर्टेंट हैं। इन पे सेपरेट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, क्या होती है, तो एक्सप्लेनेशन फोर में इसे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये। सबसे पहले लाइन जो लिखी है वो है, इट इज एन आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ रेस जुडिकाटा। इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ रेस जुडिकाटा, तो मैंने आप मेंशन कर दिया है, मे बी आपको कभी किसी एमसीक्यू में पूछ लिया जाए तो आपके काम आ सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये होता क्या है। अब इसको भी एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक सूट है ए और बी के बीच में, ठीक है, और कुछ मैटर्स हैं जो उन्होंने इश्यूज रेज किए। तो कितने इश्यूज हो गए, 1 2 3 4 इश्यूज हो गए। मान लीजिए उसने तीन ही इश्यू को रेज किया और वो फोर्थ इश्यू को रेज नहीं कर सकता है, नहीं मतलब मान लीजिए नहीं किया, उसने कर सकता था लेकिन उसने रेज नहीं किया। अब जो मिस्टर ए हैं, जिन्होंने मान लीजिए इन तीनों इश्यू को रेज किया लेकिन इसको नहीं किया, इसको पता था कि इसको करना चाहिए या करना कर सकता है लेकिन इसने नहीं किया, तो ये बाद में किसी फॉर्मर सबसिक्वेंट सूट के अंदर इस इश्यू को वापस से रेज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है वो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के कारण बार्ड है। ठीक है, कैसे? It says that if a plea could have been taken by a party in a proceeding between him and his opponent, ठीक है, then he should have not been permitted to take the plea against the same party in a subsequent suit on a same subject matter. यानी कि अगर वो former suit के अंदर उन चीज को raise कर सकता था, उस issue को raise कर सकता था, तो वो subsequent suit file नहीं कर सकता उस एक issue के ऊपर। ठीक है, अब इसी जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की जो डॉक्ट्राइन है वो किस केस से है, जरा वो एक केस मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। क्या है केस? है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन। अब इस केस में क्या हुआ था, एक सब इंस्पेक्टर थे जिन्हें डीआईजी ने क्या किया, डिसमिस कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, इस चीज को चैलेंज किया, उनके डिसमिसल को चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर। किस ग्राउंड पे? इस ग्राउंड पे कि उन्हें सुनने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी
और उन्हें बिना सुने ही क्या कर दिया गया, इनको डिसमिस कर दिया गया। अब ठीक है, अब कोर्ट ने इनको डिसाइड किया इस कंटेंशन को रिजेक्ट करते हुए, उस पिटीशन को, उनकी जो पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया। ठीक है, अब भाई साहब का एक फॉर्मर सूट हो चुका है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर और जिन्होंने डीआईजी के अगेंस्ट ये चीज फाइल की थी कि इनको बिना सुने ही उन्हें डिसमिस कर दिया। इस कंटेंशन को रिजेक्ट करते हुए उनकी प्ली को, उनकी जो पिटीशन है उसे डिसमिस किया गया। अब उन्होंने एक और सूट फाइल किया इस ग्राउंड पे कि जो उनका अपॉइंटमेंट था वो आईजीपी ने अपॉइंट किया था उन्हें, और डीआईजी के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो उन्हें डिसमिस कर सके। ठीक है, किस ग्राउंड पे उन्होंने सेकेंड सूट इशू फाइल किया। अब मान लीजिए ये इशू तो इनको इस वाले इशू में भी पता था, मतलब इस वाले सूट में भी पता था कि इशू रेज कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने यहां नहीं किया। तो अब वो एक सब्सिक्वेंट सूट नहीं फाइल कर सकते, क्यों? क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा के अंदर बार्ड है कि वो इश्यू अगर पहले रेज कर सकते थे तो वो बाद में इस चीज को रेज नहीं कर सकते, और उसी सूट को बार किया गया रेज जुडिकाटा, यानी कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा के कारण उसे बार कर दिया गया। ठीक है, केस बहुत क्लियर होगा आई होप कि स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन में क्या हुआ। एक सब इंस्पेक्टर थे जिन्हें डीआईजी ने डिसमिस किया, उन्होंने अपने डिसमिसल को चैलेंज किया इस ग्राउंड पे कि उन्हें सुनने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी गई, उनका उनका पक्ष, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना ही नहीं, और उन्हें डिसमिस कर दिया गया। उसी चीज को जो कोर्ट ने था इनके कंटेंशन को रिजेक्ट किया और उनके पिटीशन को डिसमिस किया। उन्होंने वापस से एक और सूट फाइल किया ये कहते हुए कि उन्हें आईजीपी ने अपॉइंट किया था और डीआईजी के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो उन्हें डिसमिस कर सके। सूट कोर्ट ने ये कहा कि ये इश्यू आप पहले फॉर्मर सूट में भी रेज कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया, इसीलिए आप कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा के कारण ये सब्सिक्वेंट सूट फाइल करने से बार्ड है। ठीक है, सो आई होप आपको कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा समझ में आया होगा। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया, केस भी समझा दिया, और बैरक के अंदर एक चीज मैं आपको बता दूंगी कि बैरक के अंदर दो वर्ड है डिफेंस, कन्फ्यूज मत होना, डिफेंस और अटैक। ठीक है, यहां पे जो डिफेंस वर्ड है वो डिफेंडेंट के लिए यूज किया गया है, ठीक है, और जो अटैक वर्ड है वो प्लेंटिफ के लिए यूज किया गया है, तो उस चीज के लिए कंफ्यूज मत होना, आप बैरक से पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम जरा एक्सप्लेनेशन नंबर 5 देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 क्या कह रहा है, एनी रिलीफ क्लेम्ड इन अ प्लेंट व्हिच इज नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय द डिक्री शैल बी डीम्ड टू बी रिफ्यूज्ड। मान लीजिए आपने एक जो भी प्लेंट है आपने कोई रिलीफ क्लेम किया होगा उसके अंदर, और उस रिलीफ को डिक्री के अंदर ग्रांट नहीं किया गया, तो क्या अज्यूम किया जाएगा कि उस जो भी आपने रिलीफ मांगा था उसे रिफ्यूज कर दिया गया है, ठीक है, या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, उस चीज को रिजेक्ट कर दिया। एक्सप्लेनेशन 5 क्या कह रहा है कि अगर आपने एक्सप्रेसली किसी रिलीफ को मांगा था, प्लेंट के अंदर क्लेम किया था, और उस डिक्री के अंदर उस चीज को ग्रांट नहीं किया गया, एक्सप्रेसली ग्रांट नहीं किया गया, तो ये माना जाएगा कि उस रिलीफ को रिफ्यूज कर दिया गया है। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन नंबर 5 क्लियर। अब चलिए जरा देख लेते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव सूट्स क्या होते हैं, जो एक्सप्लेनेशन 6 में बात की गई है। अब रिप्रेजेंटेटिव सूट्स को जरा एक हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ, उससे पहले जरा जो मैंने लिखा है उसे रीड करते हैं। वेयर अ पर्सन लिटिगेट बोनाफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पब्लिक राइट और अ प्राइवेट राइट क्लेम्ड इन कॉमन फॉर देमसेल्व्स और अदर्स, ऑल पर्सन इंटरेस्टेड इन सच राइट शैल For the purpose of this section, be deemed to claim under the person so litigating. अब अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी तो हमें जरा इसको आपको फटाफट से एक एक्सप्लेनेशन, मतलब एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है। मान लीजिए चार पार्टी हैं, ए बी सी डी। ठीक है, अब जो इन चारों के अगेंस्ट मान लीजिए किसी ने कोई आया, एक और पर्सन है एक्स मान लीजिए, उसने इन चारों को डिफेम किया है मान लीजिए। ठीक है, इन सभी को डिफेम किया, मान लीजिए ये दोनों चारों फ्रेंड्स हैं और इन्होंने डिफेम किया गया। अब यहां पे जो ए है वो एक सूट फाइल करता है एक्स के अगेंस्ट। ठीक है, उन्होंने एक सूट फाइल किया। अब ए क्या करेगा, इन सभी यानी कि जो बची हुई तीनों पार्टीज हैं बी सी और डी, इन तीनों को एक नोटिस भेजेगा कि मैंने एक्स के अगेंस्ट एक सूट फाइल किया है। ठीक है, अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है तो तुम रेज कर सकते हो। ठीक है, यानी कि इसने इन तीनों के बिहाफ पे, खुद के बिहाफ पे भी और इन तीनों के बिहाफ पे भी
एक्स के अगेंस्ट एक सूट फाइल कर दिया है। अब ये सूट फाइल करने के ऊपर इन तीनों को बी सी और डी को नोटिस भेजेगा कि आप कि मैंने आप लोगों के बिहाफ पे एक सूट फाइल किया है एक्स के अगेंस्ट क्योंकि उसने अपने को डिफेम किया। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है तो आप ये ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए इन्होंने कोई अगर मान लीजिए बी नहीं चाहता है या सी नहीं चाहता है कि मुझे नहीं करना है ये केस, तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। अब मान लीजिए किसी ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया और सूट फाइल कर दिया गया है, वो फाइनली हर्ड भी हो चुका है, सुना भी जा चुका है, उसको फाइनली डिसाइड कर दिया कोर्ट ने, तो जो भी उसका डिसीजन होगा वो इन तीनों के लिए भी होगा, ठीक है। जो भी वो डिसीजन आएगा उसमें अगर आपको कोई भी रिलीफ मिला है, कुछ भी मिला है, तो वो ये तीनों भी क्लेम कर सकते हैं क्योंकि वो इन तीनों के बिहाफ, इन चारों ने, ए ने इन तीनों के बिहाफ पे फाइल किया था, और इसे ही हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव सूट में यहाँ पे रेस ज्यूडिकाटा क्या कर रहा है। अब वो ये कह रहे हैं मान लीजिए इन तीनों ए ने फाइल कर दिया, रिलीफ मिल गया, हर्ड एंड फाइनल डिसाइड हो चुका है। अब मान लीजिए सी आते हैं कि नहीं मेरे को तो ये रिलीफ नहीं चाहिए यार, मुझे तो है ना दूसरा रिलीफ चाहिए, मुझे तो है ना उससे पैसे लेने हैं, ठीक है। तो मेरे को उसने डिफेम किया, मैं तो उससे पैसे लूंगा, और वो जाते हैं कोर्ट के अंदर और उन्होंने एक और सूट फाइल कर देते हैं एक्स के अगेंस्ट। अब यही आता है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ रेस ज्यूडिकाटा। वो ये कहता है कि जो भी अगर यहाँ पे जो सी पार्टी है, क्योंकि इन लोगों ने पहले वाले सूट यानी फॉर्मर सूट जो ए ने फाइल किया था उसमें कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया था, इसीलिए अब वो वापस से एक्स के अगेंस्ट कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस ज्यूडिकाटा है वो रिप्रेजेंटेटिव सूट के ऊपर भी अप्लाई होगी, और वो यहाँ पे इस सी को, बी को या डी को अगर कोई भी रेज करता है तो उन्हें बार कर सकती है एक सबसिक्वेंट सूट फाइल करने से, ठीक है। सो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन नंबर 6 भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के ऊपर। चलिए अब हमारा लास्ट एक्सप्लेनेशन, और एक इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा टेक्निकल कह सकते हो आप इसको, थोड़ा सा धीरे धीरे समझ में आता है ये एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन 8 जरा हम देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन मतलब किसी कोर्ट के लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन की बात, यानी कि क्या तो उस कोर्ट के पास लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है किसके वजह से, पिक्यूनरी मतलब कि अगर मान लीजिए उसके पास पर्टिकुलर अमाउंट तक ही वो डिसीजन दे सकता है तो वहां तक वो लिमिटेड है, और या फिर सब्जेक्टरी जो लिमिटेशन है। ये दो लिमिटेशन मान लीजिए किसी कोर्ट के ऊपर है कि वो इतना ही इन्हीं सब्जेक्ट मैटर्स को डिसाइड कर सकता है, केवल पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर्स को ही डिसाइड कर सकता है, या केवल वो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही डिसीजन दे सकता है। तो ये तो हो गया लिमिटेशन की बात। अब सेक्शन एक्सप्लेनेशन 8 क्या कहता है कि मान लीजिए एक फॉर्मर सूट है, फॉर एन एग्जाम्पल, जरा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक फॉर्मर सूट है जिसके अंदर आप लोगों ने एक सूट फाइल किया, दो पार्टीज ने, एक पार्टी है उसने ए ने एक्स के अगेंस्ट एक सूट फाइल किया है, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी का सूट है, और जो यहाँ पे जो फॉर्मर जो कोर्ट है यहाँ पे उसका जो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है मान लीजिए वो 4 लाख तक है, यानी कि वो 4 लाख तक ही जो है उस वहां पे जजमेंट दे सकता है, ठीक है। अब क्या होता है मान लीजिए 2016 में फाइल किया हुआ है, ठीक है, अब ये सूट 16 में फाइल किया हुआ। अब देखो एक बार मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मान लीजिए ए ने एक्स के अगेंस्ट एक प्रॉपर्टी के ऊपर केस फाइल किया, और जिस कोर्ट में उसने केस फाइल किया, जो फॉर्मर कोर्ट जिसे हम यहाँ कहेंगे, उस कोर्ट के पास जो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है वो लिमिटेड है, कहां तक, 4 लाख तक। अब 2016 के अंदर ये केस फाइल किया, मान लीजिए ये केस फाइल हुआ, उसको सुना गया और उसको डिसाइड भी कर दिया, ठीक है। अब हमारे मिस्टर ए आते हैं, जिन्होंने, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, मिस्टर ए आए, उन्होंने 2020 के अंदर वापस से एक्स के अगेंस्ट एक और सूट फाइल किया, ठीक है। अब मान लीजिए अब जो जिस प्रॉपर्टी पे फाइल किया था, आप सब जानते हैं जो प्रॉपर्टी की रेट्स हैं वो हर दिन बढ़ती रहती है, ठीक है। अब मान लीजिए जो प्रॉपर्टी 2016 में 2 लाख की होगी या 3 लाख की होगी, मान लीजिए वो 2020 के अंदर उसकी रेट 10 लाख है, या फिर उसकी रेट 20 लाख है, कुछ भी हो सकती है। अब जिस कोर्ट के अंदर यहाँ पे उसने सूट फाइल किया उसका जो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है वो मान लीजिए 15 लाख का है, ठीक है। प्रॉपर्टी कितने की मान रहे हैं हम कि 10 लाख की है, तो उसका, अब ये जो सूट है वो क्या है, सॉरी ये जो कोर्ट है वो क्या है, कॉम्पिटेंट है,
कि हाँ वो ट्राई कर सकता है कि 15 लाख उसका लिमिटेशन है और जो प्रॉपर्टी है वो केवल 10 लाख की है, तो ये एलिजिबल है, मतलब कि कॉम्पिटेंट है टू ट्राई द सूट। लेकिन अब यहां पे जो हमारा रेस जुडिकाटा है वो अप्लाई होगा या नहीं, हम वो इन दोनों सिचुएशंस में देखते हैं। एक्सप्लेनेशन 8 ये कहता है कि अगर जो फॉर्मर कोर्ट है वो सब्सिक्वेंट जो सूट है उसको ट्राई करने से इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, ठीक है, इनकॉम्पिटेंट कैसे। अब मान लीजिए इसका तो 15 लाख है लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन, इसका तो 4 लाख ही था, तो फॉर्मर कोर्ट हो गया यहां पे इनकॉम्पिटेंट। अब वो अब जो ये है वो डिसाइड नहीं कर सकता, तब रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा? क्योंकि यहां पे जो मिस्टर ए है वो वापस से एक्स के अगेंस्ट सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर अप्लाई जो सूट है वो फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि जो फॉर्मर कोर्ट है वो इस चीज को डिसाइड कर चुका है, भले ही वो सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई करने से चाहे इनकॉम्पिटेंट हो गया हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, एक और बार मैं वापस से समझाती हूँ कि एक्सप्लेनेशन 8 क्या कहना चाह रहा है। एक्सप्लेनेशन 8 ये कह रहा है कि मान लीजिए दो कोर्ट हैं, एक फॉर्मल कोर्ट है जिसके पास में जो लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है उसका, चाहे वो पिक्यूलरी हो चाहे वो सब्जेक्टरी हो, कि वो चाहे पर्टिकुलर केवल पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिसाइड कर सकता हो या उसके पास केवल पर्टिकुलर अमाउंट तक ही डिसीजन देने का ज्यूरिसडिक्शन हो, जैसे भी वो लिमिटेड हो, लेकिन उस कोर्ट ने उस पर्टिकुलर केस को डिसाइड कर दिया, जजमेंट आ चुका है, और कुछ साल बाद में या जब भी कुछ टाइम बाद में अगर वो सेम पार्टी सेम ओपोनेंट के अगेंस्ट केस फाइल करती है तो वो ये चीज नहीं कर सकती, भले ही चाहे फॉर्मर कोर्ट जो हो वो इनकॉम्पिटेंट हो उस चीज को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर द एक्सप्लेनेशन नंबर 8। चलिए अब हम फटाफट से कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स देख लेते हैं रेस जुडिकाटा से रिलेटेड। सबसे पहला आता है हमारा डचेस ऑफ किंगस्टन केस का। इसके अंदर बेसिकली मोस्टली एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है। इसके अंदर सिर्फ आपको जो बात याद करने की है वो सिर्फ इतनी है कि इसको सर किसने दिया था, सर विलियम दे ग्रीन दिया था, और उन्होंने कहा था कि एडवर्स कॉन्करेंट कोर्ट ने एडवर्स फाइंडिंग फाइंड करना जरूरी नहीं है, डचेस वर्सेज किंगस्टन के अंदर ये कहा गया था। नेक्स्ट जो केस है वो क्या है, बी राजेश्वरी वर्सेज टी सी सर्वन बावा। अब इस केस में क्या कहते हैं, जो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा है वो स्टॉपल डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल से स्टॉपल बाय रिकॉर्ड से क्या करती है, रिलेट करती है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जो केसेस हैं मोस्टली एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे, इसलिए अभी अब आरजेएस प्रीलिम्स आ रहा है तो इसको ध्यान से केसेस को देख लेना रेस जुडिकाटा के, ये कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं फटाफट से, देवीलाल मोदी वर्सेस एसटीओ 1965 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो प्रिंसिपल है ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का वो रिट पिटीशंस के ऊपर भी अप्लाई होता है। अगेन एन एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, मोहनलाल गोयंका वर्सेस बिनॉय कृष्णा, अगेन रेस जुडिकाटा जो है वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के ऊपर भी अप्लाई होता है, जो हमने एक्सप्लेनेशन जो 7 में देखा था। ठीक है, नेक्स्ट है भगत राम वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, जो रेस जुडिकाटा की डॉक्ट्राइन है वो यूनिवर्सल है। ये सारे जितने भी मैं आपको केस लॉस बता रही हूँ इन केसेस को आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा यूनिवर्सल है, किस केस में लिखा हुआ है। मान लीजिए नीचे 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन होगा भगत राम वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की, फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेज प्रभात मंडल की। इन्होंने कहा कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा है वो पीआईएल पे अप्लाई होती है, लेकिन आगे एक और केस पढ़ेंगे जहां पे ये पढ़ेंगे हम कि जो पीआईएल पे जो रेस जुडिकाटा की डॉक्ट्राइन है वो अप्लाई नहीं होती। ठीक है, उससे पहले जरा हम कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा के। सबसे पहला ये, इन इनकम टैक्स सेल्स टैक्स द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई, एंड दिस हैज बीन हेल्ड अंडर द इंस्टॉलमेंट सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अगेन एमसीक्यू का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या हेल्ड किया गया था कि जो भी सूट्स जो भी प्रोसीडिंग्स इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के रिगार्डिंग होगी तो वहां पर जो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा है वो अप्लाई नहीं होगी। फर्स्ट एक्सेप्शन। नेक्स्ट एक्सेप्शन एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन, यानी कि जहां पे भी स्पेशल लीव पिटीशन इज डिसमिस कर दी गई है विदाउट द एडजुडिकेशन और डिसीजन, उसको बिना डिसाइड किए, तो वहां पे जो रेस जुडिकाटा है वो अप्लाई नहीं होगा। यानी कि जो अगर आप सब्सिक्वेंट सूट फाइल करते हो तो कर सकते हो, आपको बार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अ डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन। मान लीजिए आपका एकदम सर्टेनली बहुत ही डिफरेंट सेम पार्टीज हो जाए, ठीक है, लेकिन आपका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो वहां पे भी जो सब्सिक्वेंट सूट आप फाइल कर सकते हैं, रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। ठीक है,
एक्सेप्शन फोर देखते हैं. सबसे पहले क्या है, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर. ये कहते हैं कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा है वो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स जहां पे भी पास हुए हैं किसी भी फॉर्मल सूट के अंदर, तो उसको उसके अगेंस्ट सब्सिक्वेंट सूट भी फाइल किया जा सकता है, वहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा. नेक्स्ट, व्हेन देयर इज अ चेंज इन लॉ, मान लीजिए कि किसी फॉर्मल सूट के अंदर कोई पर्टिकुलर लॉ था जहां पे जो चीज डिसाइड हुई, लेकिन नया लॉ आया जिसके साथ नए राइट्स आए किसी भी पर्सन के पास, तो वहां पे भी जो सेक्शन 11 है उसके अकॉर्डिंग आप बार नहीं हो, आप सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर सकते हो. तो ये हो गए हमारे कुछ 5 एक्सेप्शंस. अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो मोस्टली कभी कभी आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं. सबसे पहला कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा है वो पीएल पे अप्लाई होता है. ये कहां पर डिसाइड किया गया था, रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, जहां पे कोर्ट ने ये कहा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा है वो पीआईएल पे अप्लाई नहीं होगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज रेस जुडिकाटा अप्लाई ऑन आर्बिट्रेशन केसेस. अगेन जो केस का नाम है वो है केवी जॉर्ज वर्सेज सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट. इस केस में ये कहा गया था कि जो कोर्ट ने कहा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा है वो आर्बिट्रेशन और रिवॉर्ड्स मैटर पे रेज नहीं की जा सकती. लास्ट है हमारा, दैट इज द रेस जुडिकाटा डज अप्लाई ऑन इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स. इन्होंने यहाँ पे बीएसएनएल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में इस चीज को डिसाइड किया गया और कोर्ट ने कहा कि अगर जो डिसीजन है फॉर्मर सूट के अंदर वो एक वन असेसमेंट ईयर के रिगार्डिंग है, ठीक है, तो वहां पे जो है वो जो रेस जुडिकाटा की जो डॉक्ट्राइन है वो सब्सिक्वेंट सूट के अंदर अप्लाई नहीं होगी. ठीक है, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस भी अच्छे से क्लियर होंगे होंगे. तो हमने क्या देख लिया, सबसे पहले हम लोगों ने तीनों मैगजीम्स देखी, थ्री मैगजीम्स देखी थी, उसके बाद में हम लोगों ने थ्री मैगजीम्स देखी, लिटरल मीनिंग देखा, जनरल मीनिंग देखा, बैरक के अंदर क्या है हमने वो देखा, कुछ कंडीशंस देखी जो बहुत जरूरी थी किसके लिए, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा के लिए. हमने उसके बाद में उन 8 एक्सप्लेनेशंस को देखा है, कुछ केस लॉज देखे हैं और फाइनली हमने कुछ एक्सेप्शंस देखे हैं, सॉरी एक्सेप्शंस को देखा है, और फाइनली हमने कुछ क्वेश्चंस जो ये 3 क्वेश्चंस थे हमने वो देखे. आई होप आपको डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा. कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताइएगा जरूर, अगर मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके सभी डाउट्स को सॉर्ट आउट कर सकूं. आप मुझे इनके हैंड रिटन नोट्स के लिए मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, मेरा इंस्टाग्राम पेज है @judiciaryjurslegallaws, तो आप मुझे यहाँ पे डीएम कर सकते हैं. आप मुझे और किस चीज पे वीडियो बनानी चाहिए इसके बारे में भी सजेस्ट कर देना, और यहां तक वीडियो देख लिया है आप लोगों को मेरी चीज समझाई हुई चीज अगर समझ में आई हो, कोई सजेशंस हो तो कमेंट करके बता देना, और अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको पता चल जाए. ठीक है, ओके, चलो बाय बाय.